महिला जिला अस्पताल की ओपीडी हॉल में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बच्चों को कृमि की दवा खिलाकर शुभारंभ किया। उन्होंने आधा दर्जन बच्चों एवं एक किशोर को अपने हाथों से कृमि की दवा खिलाई। पूरे जनपद में आंगनवाड़ी केंद्र और स्कूलों में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया गया और कृमि की दवा 19 साल के नीचे के बच्चों को खिलाया गया तथा छूटे हुए बच्चों को 25 जुलाई और 27 जुलाई को खिलाई जाएगी। इसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि आंगनवाड़ी केंद्र एवं स्कूल इन दोनों स्थानों पर पंजीकृत बच्चों को पेट के कीड़े मारने की दवा 25 और 27 जुलाई के बीच खिलाई जाएगी। यह दवा बच्चों को कुपोषण, खून की कमी समेत कई बीमारियों से बचाती है। उन्होंने बताया कि 16 से 19 वर्ष के आयु वर्ग के किशोरों को, ईंट भट्टा पर कार्य करने वाले श्रमिकों और घुमंतू लोगों को भी दवा खिलाई जाएगी। यह दवा 1 से 19 आयु वर्ग के सभी बच्चों को खानी है। उन्होंने बताया कि यह दवा शिक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने सामने खिलाएंगे और किसी भी स्थिति में परिजनों को दवा नहीं दी जाएगी। कृमि के कारण होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए यह दवा सबसे बेहतर उपाय है। उन्होंने कहा कि कृमि से बचाव के लिए साफ पानी का सेवन करें, आसपास सफाई रखें, खाना खाने से पहले हाथ को धोएं तथा फल और सब्जियां साफ पानी में धोकर इस्तेमाल करें। इस अवसर पर जिला महिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एनके श्रीवास्तव, डीसीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी के इन बर्नवाल, वरिष्ठ स्वास्थ्य कर्मी नवीन गुप्ता सहित डॉक्टर मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, घर के लिए माने दवा पहले खाए हो, किसी को नुकसान दिक्कत हुआ भाई? कौन सा खुराक है? योगी बजाओ और इसको ऐसे ऐसे कर, और पानी पीना है, सीटी बजाओ, चलो पूछो पूछो पूछ के खा लो, पानी मिलेगी।
आज राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस मनाया जा रहा है। ये आज से लेकर के 25 तारीख तक मनाया जाएगा और 26 और 27 दो दिन जो है जो हमारा छूटे हुए मापअप राउंड किया जाएगा। इसमें हम एल्बेंडाजॉल 400 मिलीग्राम की टैबलेट जो है एक वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक के बच्चों को खिलाएंगे। एक वर्ष से दो वर्ष के बच्चों को आधी टैबलेट जो है क्रश करके दी जाएगी और दो से तीन वर्ष के बच्चों को भी चम्मच में दो चम्मच के बीच में रख करके इसे क्रश करके इसे दिया जाएगा। उसको क्रश करने का तरीका ये होगा कि चम्मच में टैबलेट को रख करके दूसरे चम्मच की इससे आप रगड़ देंगे, इससे ये साफ़ हो जाएगा और उसको पिलाया जाएगा। इसके साथ जो है तीन वर्ष के ऊपर के बच्चों को पूरी टैबलेट जो है मुंह में दे के कूँच लेंगे और कूँचने के बाद बच्चे को पानी पिला दिया जाएगा। इसकी खास बात यह है, ये दवा घर के लिए नहीं दी जाएगी, ये दवा स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो हमारी आंगनबाड़ी एएनएम आशा है उनके सामने खाई जाएगी और ये सभी लोगों को खिलाना है। क्योंकि जब पेट में हमारे जो है कृमि होता है तो ये हमारे पोषण पर जो हम खाते पीते हैं उसको वो खा पी लेता है, तो इससे हम लोग कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, हमें रक्त की कमी हो जाती है और तमाम तरह की अन्य व्याधियाँ होती हैं। इसलिए ये दवा जो है खिलाने का महाअभियान हम लोगों ने शुरू किया है। इसके साथ साथ मैं आम जनता से आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करेंगे कि सब लोग जो है स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता को अपनाएं, घर में जो शौचालय बने हुए हैं उसका प्रयोग करें, खाना खाने के पहले अपने हाथ को साबुन से खूब अच्छी तरह से साफ़ कर लें, और टॉयलेट्स करने के बाद जो है हाथ खूब अच्छी तरह से साबुन से साफ कर लें। इसके अलावा जब बाहर अगर कहीं जा रहे हैं तो जूते चप्पल पहन करके ही जाएं और स्वच्छ जल का प्रयोग करें, अपने साथ साफ पानी रखें जहाँ की पानी की गुणवत्ता ठीक हो। तो एक बात हमेशा ध्यान रखें, खाना खाने से पहले अपना हाथ धुलना है, लेट्रिन के बाद अपना हाथ धुलना है, जो घर में शौचालय बना उस शौचालय का प्रयोग करिए और जूते चप्पल पहन करके बाहर निकलिए, स्वच्छ जल का प्रयोग करिए, आप कृमि से बचे रहेंगे। बाहर से जो साग सब्जियां आती हैं खास करके पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं उनको खूब अच्छी तरह से बहते हुए पानी से धुल लेना चाहिए, तभी उसे पकाना चाहिए। अगर हम ये सब एहतियात करेंगे तो हम लोग जो है कृमि से बचे रहेंगे, वरना हमारी ये दवा जो चल रही है इस दवा से लोगों को हम कुपोषण से बचाएँगे। धन्यवाद।